नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहते हैं राजनीति में मनचाहा मुकाम बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने आप को एक्सीडेंटल नेता कहा करते थे, और एक्सीडेंटल भी ऐसे कि भले ही वो गलती से राजनीति में आए हो, लेकिन उसके बाद वो 8 बार विधायक चुने गए, यानी कि जनता ने उन्हें खूब पसंद किया। कहने को वो सरल नेता थे और उनका स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा था। हम बात करें देहरादून से कैंट विधायक हरबंस कपूर की, जिनका आज सुबह निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में शोक की लहर है। हालांकि प्रतिपक्ष संवाद से अपनी बातचीत में उन्होंने अपनी अदर साइड का जिक्र किया। देखिए हमारी टीम के साथ उनके आखिरी इंटरव्यू के कुछ अंश। अदर साइड में सबसे पहले आपसे सवाल, आप 8 बार से लगातार विधायक है, रुझान कैसे आया राजनीति में और इतनी लगातार जीत के पीछे की वजह क्या रही है? रुझान तो मैं कहूँ कि एक इत्तेफाक रहा है, क्योंकि मेरा हमेशा ये विचार रहा था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। अच्छा। और राजनीति में नहीं आना है, इसका भी एक कारण ये भी रहा कि मैं 2 बार छात्र संघ में, एक बार कक्षा प्रतिनिधि के रूप में और एक बार महासचिव के रूप में कार्य कर चुका था, और मैं और उसमें भी ये सोचकर कि जैसे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है विद्यार्थी के, छात्र के जीवन में, कोई खेल अपनाता है, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है, तो उसे भी छात्र राजनीति को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में लिया था। और 2 बार राज्य जीतने के बाद ये विचार बना था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है और मुझे अपने आप अपने पांव पर खड़े होकर अपने आप आगे बढ़ना है। तो आप क्या अपने आप को द एक्सीडेंटल मानते हैं? डेफिनेटली जी, मैं ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन ना चाहते हुए राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति में फिर इतना रम गया कि फिर राजनीति एक मुख्य उद्देश्य रहा, हो जाए राजनीति में काम करते हुए ही उसी में अपने आप में रम गए और उसमें काम करने में आगे बढ़ते गए। आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आ गए तो अब आप हैं, लगातार 8 बार से हैं। क्या पॉपुलैरिटी क्या है आपकी ऐसी कि आप लगातार 8 बार से जीतते आ रहे हैं? मैंने कभी राजनीति को राजनीति के रूप में नहीं देखा। राजनीति के साथ सामाजिक सामाजिक उद्देश्य को भी साथ में लिया, और मैं ये समझ एक मन में भावना थी कि अगर मुझे कोई जिम्मेवारी मिली है या कुछ करने का अवसर मिला है तो मैं सामाजिक जो आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है जिससे सहयोग की, तो उससे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, और आज भी मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा मानता हूँ बजाय इसके कि राजनीतिक कार्यकर्ता के। जब आप यूपी से विधानसभा में चुनकर के आए तो उस वक्त आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस वक्त आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया। हाँ, ग्रामीण विकास मंत्री, जब शुरू में मुझे ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व मिला, ग्रामीण विकास मंत्री और साथ में इसमें श्रम एवं सेवा योजन का भी था साथ में, तो ग्रामीण जब ये मंत्रालय मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जब सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने मुझे ग्रामीण विभाग दे दिया। आपने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री की भूमिका निभाई, आप उसके बाद उत्तराखंड बन गया, 2001 में आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, उस टाइम आप शहरी विकास मंत्री बने, गांव से फिर आप शहर में आए। आपने बताया कि आपको गांव से लगाव हुआ, उस वक्त आप नहीं जानते थे कि गांव में क्या है क्या नहीं है, फिर जब शहर आए तो कितना आपको लगा कि यहाँ के जो ज़मीनी स्तर है शहर का और ग्रामीण स्तर है उसमें भिन्नता है, यहाँ पर किस तरीके से विकास करने की ज़रूरत महसूस की आपने? नहीं, वो तो एक अलग विषय था, ग्रामीण परिवेश में काम किया, परंतु सारा जितना भी बहुत छोटा अवसर मिला, ज़्यादा सा अवसर नहीं मिला, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी बहुत कम अवसर मिला, परंतु जितना अवसर मिला उसका मैं कह सकता हूँ एक एक मिनट तक मैंने उसका सदुपयोग किया। उसके बाद जब
अन्य सरकारें बनी, मिली जुली सरकार भी बनी, अपनी सरकार भी बनी, अब ना जाने किस कारण से मुझे आगे विधायक तो था ही मैं, परंतु किस कारण से आगे अवसर नहीं मिला। और फिर जब आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की बात आई तो सरकार पार्टी में भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान थी, तो उत्तराखंड आंदोलन में भी उत्तरांचल संघर्ष समिति हमने बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और हमारा एक कंसेप्ट था कि हम अलग राज्य बने हमारा, और जो उसमें उसके पूरे अधिकार हो, उसे पूरी उसका पूरा उसके विकास में पूरा योगदान दे यहाँ के हर नागरिक का, हम अपने आप अपने विधान बनाएं, हम अपने कानून बनाएं, हम अपनी नीतियाँ बनाएं, हम अपनी योजनाएं बनाएं, और उसके आधार पर हम उत्तराखंड इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास करें। आपने राजनीति साथ साथ समाज सेवा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, अब जब आप स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में, उसको लेकर के आपको किसी प्रकार का दुख होता है? पेट्रोल के डीजल के रेट इतने बढ़ रहे हैं, जिन किसानों की बात की जाती है वो 100 रुपये का डीजल कैसे लेकर के आएंगे, जिन गरीबों की हम बात करते हैं वो 200 रुपये का सरसों का तेल कैसे खाएंगे, डॉक्टर्स की हम बात करते हैं उत्तराखंड में ही अगर बात कर ले तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में 7,500 का वेतन मिलता है इंटर्न को, लंबे समय से वो प्रयासरत है। टीचर्स की बात कर ले उत्तराखंड में तो TET वाले टीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और लगातार चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे मुद्दे देख करके आपको परेशानी होती है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो संगठित क्षेत्र होता है और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र की समस्याएं तो संगठित क्षेत्र अपने अपनी शक्ति के बल पर अपने संगठन के माध्यम से किसी न किसी तरह से अपनी आवाज़ उठाते हैं और उन्हें सहारा मिल भी जाता है। हमें ज़्यादा चिंता उस बात की भी जो असंगठित क्षेत्र है, जिसका कोई संगठन नहीं, जो एक व्यक्ति दुकान पर काम करता है वो उसे 4,000-5,000 रुपये में काम करता है, इसी तरह से जो मजदूर है, जो दैनिक वेतन जो मजदूर है, सुबह घर से निकलता है हावड़ा से या गेंती या औजार लेके घर से आता है, शाम को उसे वो मेहनत उससे मिले तो मैं समझता हूँ ये भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं समझता हूँ असली अगर मेहनत की कमाई खाता तो वो मजदूर खाता है। आप राजनेता के तौर पे काफ़ी व्यस्त रहते हैं, आपके परिवार वाले किसी तरीके की शिकायत करते हैं आप उन्हें वक्त नहीं देते या फिर उनके साथ घूमने नहीं जाते, इस तरीके का कुछ? नहीं, वो तो उन्हें भी मालूम ये हमारे जीवन के एक अंग बन गया है और वो उन्हीं परिस्थितियों में रहने के वो आदि हो चुके हैं। मुझे तो वो दिन भी आ जाता है कि जब शुरुआती दौर था हमारा और बच्चे भी छोटे थे और जब और पार्टी का काम भी करते थे, अपनी वकालत भी करते थे और बच्चों को की छोटी मोटी जिम्मेवारियाँ जैसे स्कूल से लाना ले जाना और ये छोटे मोटे काम ये भी करने पड़ते थे, तो मैं कभी याद करूँ तो मुझे ऐसा भी एक प्रकरण याद आता है कभी कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई, हमारे दोनों मेरी बड़ी लड़की शीतल और अमित छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल एक ही स्कूल में थे, जब स्कूल की छुट्टी हो गई और वो गेट पर इंतज़ार करते कि पापा कब आएंगे, तो ऐसा समय भी आता था कभी कभी ऐसे मौका भी बन जाता कि एक एक डेढ़ घंटा लेट हो जाते थे, स्कूल का गेट बंद हो जाता था और जब गेट कीपर कहता था अब आप बाहर जो मुंडेर है वहाँ पर बैठिए, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया और मैं गेट बंद करके जा रहा हूँ, वो मुंडेर पर बैठ कर ये शर्त लगाते कि स्कूटर की जो हॉर्न बज रहा ना ये पापा जरूर होंगे, तो आपस में ये कहते कि एक ने कहा था हाँ, तो उनके आपस में कंपटीशन वो भी चलता था और फिर निराशा भी होती होगी जब देखा वो तो पापा ये तो कोई और स्कूटर निकला, तो घंटों ने स्कूल मेरे क्योंकि लाने की जिम्मेवारी मेरी थी तो वो भी उन्हें ऐसे ऐसे परिस्थितियों में भी उन्हें गुजरना पड़ता था।